सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक के एक नए एपिसोड में। चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं जबरदस्त गर्मा गर्म टेक न्यूज से। यहाँ पे जो आज की पहली खबर निकल के आ रही है वो है इंडिया से। आपको पता है गूगल, Xiaomi, ओप्पो, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने बहुत सारा यहाँ पे पैसा दिया था कोविड के लिए। अभी ट्विटर ने भी 110 करोड़ रुपए की जो है हेल्प की है इंडिया में, जो कोविड की अभी सिनेरियो वगैरह चले, सिचुएशन वगैरह चली है, तो उसको हेल्प करने के लिए अभी 110 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है, जो एक्चुअल में बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात है। जो जहां तक वो जितना हो सकता है वो अपने तरफ से कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो सोशल मीडिया ब्रांड्स हैं वो भी आगे आ रहे हैं और डोनेशन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों ने उनको प्यार दिया था, जो लोगों ने उनकी हेल्प की थी, वो इन रिटर्न अभी हमें दे रहे हैं। बाय द वे, अगर डेली की बात करो तो 4 लाख से ज्यादा जहाँ पे केसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे मर भी रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है एक्चुअली में। और COVID-3 वेव की यहाँ पे बातें भी की जा रही हैं और जिसको सुन के मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे घबराहट हो रही है। एक्चुअली में अगर मैं बात बताऊँ यहाँ पे, तो अभी क्या है कि इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है, तो अभी मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो ये सिचुएशन चली है, जो 3 इडियट वाला डायलॉग है कि भगवान ये इस वायरस को दुनिया से हटा दो, तो भगवान करके इस जो वायरस है, ऐसी अभी फीलिंग आती है कि जो वायरस है इसको इंडिया से भी हटा दो और दुनिया से भी हटा दो, बिल्कुल खत्म होना चाहिए वायरस, ताकि हम बाकी मैं आपसे ये फिर से बोलूंगा कि आप सभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क वगैरह प्रॉपर पहन के रखिए। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो थोड़ी सैड खबर निकल के आ रही है। वैसे अगर मैं बात बताऊँ तो इंडिया में आपको अगर आप कोई फोन वगैरह लॉन्च होना चाहते थे, आप उसका इंतजार कर रहे थे, तो अभी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो काफी सारे जो ब्रांड्स हैं उन्होंने लॉन्चिंग रोक दी है। यस दोस्तों, उन्होंने जैसे एसुस वालों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है, दिनेश जी उन्होंने बोला है कि जो उनका फोन लॉन्च होने वाला थे एसुस ZenFone, जो ग्लोबली आज होगा ग्लोबली एसुस ZenFone 8, वो इंडिया में नहीं आएगा फिलहाल के लिए, इसको रोक दिया गया है। और इम्पैक्ट रियलमी X7 Max वगैरह, उसके बाद पोको के अनु शर्मा जी ने भी उन्होंने बताया कि हमें लॉन्चिंग वगैरह रोक दी है। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो वीवो वाले बोल रहे हैं कि हम भी फोन लॉन्च नहीं करेंगे। तो ऐसे काफी सारे प्लान थे जो कि इस महीने होने वाले थे, लेकिन जो लॉन्चिंग वगैरह है वो जो सिचुएशन वगैरह चली हुई है कोविड की सुनहरी की वजह से सब कुछ रोक दिया है। और मुझे लगता है कि अच्छा भी किया है, क्योंकि अगर बात करूं अप्रैल में इतने सारे फोन लॉन्च हो रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था, पागल हो गया था मैं, और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं, मतलब इतने सारे फोन काम काम करके मैं अभी थक गया था। तो अभी इफेक्ट थोड़ा सा भी ब्रेक मिली है मई महीने में, तो अभी कुछ फोन वगैरह जो ब्रांड से सभी मना कर रहे हैं लॉन्च वगैरह होने में, तो अभी अभी सिर्फ आई थिंक मैं बात करूं तो कल जो है वो एक ही फोन लॉन्च होने वाला है, रेडमी का Note 10s, उसके बाद फिर आई थिंक आगे तो कोई फोन है नहीं लॉन्च होने वाले। फिर अभी अगर अगर मैं चाहता हूँ कि सिचुएशन बहुत ही अच्छी जल्द ठीक हो जाए, ताकि जून में फिर अगर सिचुएशन बहुत अच्छी जल्द ठीक हो जाती है, तो शायद जून तक हम जो है अच्छे बहुत से जो अभी मई में फोन लॉन्च होने वाले थे वो शायद हम जून में देख पाएंगे, जून में मतलब कि जून में हम बहुत सारे फोन देख पाएंगे। अभी देखते हैं सिचुएशन किस तरह की रहती है। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है एप्पल को लेकर। अगर 2023 के अकॉर्डिंग टू मिक चिंगचांग, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो आप इनफैक्ट जो आईफोन आएगा 2023 में, एनीवेज उसका जो नाम रहेगा 15 रहेगा, अगर कुछ नाम वगैरह में चेंजिंग वगैरह नहीं की जाती है। तो बताया जा रहा है कि एप्पल जो अब जब 2023 में जो उनका फोन आएगा, उनमें अपना 5G मॉडम, खुद का 5G मॉडम इस्तेमाल करेगा। अभी क्या होता था कि 5G के लिए वो कॉलकॉम या इधर उधर जो है इन सभी का इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 5G मॉडम जो अपना खुद का इस्तेमाल करेंगे। बात बताऊं तो बात ये है कि आईफोन 15 के जब आएगा तो उसके साथ एक यहाँ पे बैक लगा होगा जहाँ पे लिखा होगा आईफोन 15 5G इंक्लूडिंग किडनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेके। अभी क्राफ्टन वगैरह जो है बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं, वो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंक्लूडिंग मी और वी, उन सभी से बोल रहे हैं कि जो आप पबजी को मत बोलिए, आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बोलिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि पबजी को फिर से गवर्नमेंट हमारी बैन कर दे। ऐसे में सभी जो भी कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं उनसे सभी ये बोल रहे हैं। तो अभी दोस्तों अभी जो है पबजी मत बोलिए आप भी, और बैटल
मोबाइल इंडिया बोलिए। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो यूट्यूब पे न्यूज चैनल्स है वहाँ पे एक पोस्ट वगैरह उन्होंने किया है, आए दिन वो करते ही रहते हैं। तो अभी उन्होंने एक न्यू पोस्ट किया है जहाँ पे सैनहोक वाला फीलिंग आ रही है। अगर पोस्ट वगैरह जो फोटो वगैरह पे देखिए तो सैनहोक वाला मैप देखने को मिल रहा है, जो की सैनहोक मतलब की सैनहोक जैसी फीलिंग आ रही है। अभी बात ये है कि उन्होंने नाम वगैरह चेंज कर दिया, तो अभी जो पबजी का सैनहोक था वो बैटल ग्राउंड का मतलब गोवा होगा, और जो पबजी का मीरामार है वो बैटल ग्राउंड का राजस्थान होगा, और जो पबजी का इरेंगल है वो बैटल ग्राउंड का मिर्जापुर होगा। जी हाँ, तो अभी देखते हैं, अभी मजा आएगा। और अभी जो 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 भी गेमर्स है वो भी बोलेंगे अभी हमें मिर्जापुर चाहिए, हमें इरेंगल नहीं चाहिए, हमें मिर्जापुर चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है एमआई को लेके। अगर मैं दोस्तों एमआई की तरफ से आज बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, मैंने आपको जितने भी पेटेंट मैंने सुने और आपको बताया कि इस तरह का पेटेंट अभी निकल के आ रहे हैं, तो अभी जो ये वाला पेटेंट है वो इन सभी से बिल्कुल रिन्यू होगा। क्योंकि मैं आपको बहुत बताऊं दोस्तों, आपने फ्लिप कैमरे के बारे में सुना होगा, मैकेनिज्म जो फ्लिप कैमरे का रहता है, जो फोन वगैरह होता है जब वो फ्लिप कैमरा ओपन करते हैं तो जो फोटो वगैरह खींचते हैं तो जो फ्लिप कैमरा है वो फोन के ऊपर निकल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इजिली समझाऊं तो एसुस जेनफोन की अगर सीरीज की बात की जाए, एसुस जेनफोन 7 और एसुस जेनफोन 8 जो फ्लिप मैकेनिज्म के साथ आने वाली है। तो फॉर अभी क्या हुआ है कि शोमी ने अभी क्या है कि अंडर डिस्प्ले फ्लिप कैमरा लेके आ रहे हैं। आई एम सीरियस दोस्तों, ये अभी पता नहीं किस तरह से काम करेगा, लेकिन ये डिस्प्ले के अंदर से जब ये आप मतलब कि आपको अंदर से होगा, आपको 3 कैमरे मिलेंगे। जो मेन कैमरा होगा वो डिस्प्ले के अंदर जो है रोटेट करेगा, और रियर कैमरा होगा वो भी पहले जो रियर कैमरा होगा वही सेल्फी कैमरा आपको बन के देखने को मिलेगा। तो अभी ये बहुत ही यहाँ पे कमाल का पेटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करूँ अभी पता नहीं किस तरह का वो मैगनिकल और मोटराइज कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरह का वो काम कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता टेक्निक का यूज कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक अगर बात करूँ तो फ्यूचर में हम इस तरह के फोन देखने को मिल सकते हैं, और ये कम से कम अगर बात करूँ तो 5 साल तो लगेंगे क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी को। और बात करें शोमी की, तो शोमी जब अंडरवेयर लॉन्च कर सकता है तो वो कुछ भी ला सकता है। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है सैमसंग को लेकर। सैमसंग की तरफ से बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सैमसंग की, जो गैलेक्सी F52 5G है इसकी कुछ लाइव फोटो वगैरह बाहर निकल के आ गई, जहाँ पर डिस्प्ले वगैरह भी देखते हैं और बैक साइड वगैरह भी आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें अभी बताया जा रहा है कि सैमसंग का जो F52 5G होगा इसमें हमें स्नैपड्रैगन 750 मिलेगा, 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, और 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले मिलेंगी। अब बात है कि सैमसंग जब बहुत कुछ अच्छा करता है तो कॉस्ट कटिंग भी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए M42 5G, उसमें भी कॉस्ट कटिंग हमें देखने को मिली थी, लेकिन अभी F52 5G उसमें भी हमें देखने को मिल रही है। और इसकी अभी प्राइस वगैरह बताई जा रही है कि इंडिया में 20 से 25 हजार की रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो न्यू एक्सिनोस का ये यहाँ पे चिपसेट हमें देखने को मिलेगा विद AMD GPU के साथ में। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो चिपसेट होगा वो स्मार्टफोन में तो आएंगे, लेकिन साथ साथ में बताया जा रहा है कि लैपटॉप में भी हमें देखने को मिलेगा, और ये शायद mid of 2021 तक हमें देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे तीसरी खबर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो है बहुत ही यहाँ पे अच्छी यहाँ पे निकल के आ रही है। जहाँ पे अगर बात करूँ तो अभी सैमसंग की तरफ से बहुत सारे यहाँ पे जो है फोन निकल के आएंगे, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3, Z Flip 3 और सैमसंग गैलेक्सी S21 Fan Edition। अभी ये बताया जा रहा है कि जो फोन है वे हमें अगस्त तक देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह बाहर निकल के आ रही है, तो शायद ये अगस्त में शायद ग्लोबली या फिर इंडिया में भी शायद में देखने को मिल सकती है, या फिर अगस्त में ये ग्लोबली आएंगे, शायद उसके बाद हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों, बात यह है कि 2021 के अगस्त तक की वेट करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा किस किस तरह के हमें क्या क्या फोन हमें देखने को मिलेंगे और किस किस प्राइस पे हमें लॉन्च होते हैं। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है इंटेल को लेके। इंटेल की 11th जनरेशन टाइगर लेक गेमिंग बस स्टेशन लैपटॉप की जो CPU है उसको लेके आया है, जिसमें आपको यहाँ पे अनाउंस कर दी है इंटेल ने। जहाँ पे आपको बात बताऊं तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट वगैरह की गई है, ये आपको परफॉर्मेंस और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा यहाँ पे 11th
जनरेशन की जो है इंटरनल चिप यहाँ पे तैयार की है। अभी एक्चुअली में आप मुझे ये बताएं कि अभी आप जो है एक्चुअली में जो है सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस देते हैं, AMD या फिर इंटेल? आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है लावा को लेके। अगर मैं बात करूँ लावा की, तो लावा ने अभी एक न्यू यहाँ पे फोन अनाउंस कर दिया है, न्यू फोन लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे 7 इंच की आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, 6000 mAh की बैटरी है। और दोस्तों ये जो है आपको बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये जो फोन है मेनली मैं ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के जो है फोन उसके पर्पज के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है जो कि स्टूडेंट्स हैं। और इसकी प्राइस है 7999, क्योंकि इसमें भी काम आपको जो स्टूडेंट्स है आपको 7 इंच की जो है स्क्रीन मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई आपको और भी करना ईजी हो जाएगी। और बात यह है कि लावा एक इंडियन ब्रांड है और इंडिया में अगर ये फोन बन रहे हैं तो काफी एक्साइटेड है फोन है। अगर आप, क्योंकि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि ज्यादा महंगा फोन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सकते हैं, तो उन लोगों के लिए आपको एक बड़ी डिस्प्ले वगैरह बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल सकती है लावा Z2 Max वगैरह आप लेना चाहते हैं तो। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है ओप्पो को लेके, ओप्पो Reno 6 Pro और ओप्पो Reno 6 Pro Plus। जो है दोस्तों अगर बात करूँ ओप्पो, तो ओप्पो बहुत ही जल्दी अभी अपग्रेड करता रहता है फिलहाल के लिए अब जो है रेनो सीरीज को। तो अभी यहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो फोन अभी ऑफिशियली लॉन्च होने के उसमें हमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। और जो मेजर पिलर्स रहते हैं इन रेनो सीरीज के वो रहता है कैमरा, डिस्प्ले और डिजाइन। तो शायद हमें अभी ये 3 पिलर्स जो देखने को मिलते हैं वो और भी ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं लेट्स सी किस तरह का फोन हमें देखने को मिलते हैं ओप्पो सीरीज में, तो हमें आगे चल के ही पता चलेंगे। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है हार्ले डेविडसन को लेके। यहाँ पे अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया है लाइव वायर करके एक न्यू ब्रांड, जहाँ पे वो अभी क्या करेंगे इलेक्ट्रिक जो बाइक्स वगैरह है जो कि इन द फ्यूचर या फिर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन पे भी जोर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो गाड़ियां वगैरह जो होंगी, एक्चुअली मैं बात करूँ हार्ले डेविडसन की, तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी जो है बाइक्स वगैरह देखने को मिलती है। तो अभी हार्ले डेविडसन जो है वो लाइव वायर करके जो है न्यू ब्रांड उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह भी लॉन्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो भी एप्पल को निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आपको पता है फॉक्सकॉन की जो फैक्ट्री है जिसमें जो एप्पल के जो है फोन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो अभी क्या है अगर बताया जा रहा है यहाँ पे जो आईफोन 12 से है, जो आईफोन है उनमें 50% की यहाँ पे जो है गिरावट आई है उनकी प्रोडक्शन में। बिकॉज अभी आपको पता है कोविड की सिनेरियो वगैरह चला हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो है घर से काम कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या प्रोडक्शन में भी 50% से ज्यादा की कमी हमें देखने को मिली है कोविड की सिनेरियो में। तो एक्चुअली मैं बात बताऊं तो ये बहुत ही यहाँ पे खतरनाक है कोविड जो चला हुआ है, क्योंकि हर डेली के पता नहीं कितने ज्यादा लोग जो अपने जान गंवा रहे हैं, कितने परिवार जो है बेघर, बच्चे जो है बेघर हो जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा यहाँ पे बुरा लगता है कि इतनी बुरी सिचुएशन आई। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ फिर से कि जो सिचुएशन है वो कम से कम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तब तक के लिए हमारी सिर्फ ये हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए सभी के लिए कि जितना ज्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड किया जाए, घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, क्योंकि ये जो अभी वेव है बहुत ही खतरनाक है। और घर में रहिए, अपना और अपने परिवार का प्रॉपर रूप से ख्याल रखिए। अगर बाई चांस आप ऐसे घर से मतलब बहुत ही जरूरी हो कहीं जाके, तब भी बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहन के रखिए और जितना जल्द हो सके वो प्रॉपर डिस्टेंसिंग वगैरह बना के रखिए। क्योंकि जब तक हम अगर हम ये सब भी करेंगे तो एक्चुअली में जो कुछ कंट्रोल है वो हम देख पाएंगे इस वेव में। अगर हम सभी अभी हमें क्या है कि हम सभी को साथ में मिलके इवेंचुअली साथ में मिलके इस कोरोना की जो लहर है उसको खत्म करना है, उसको कोरोना को खत्म करना है, तभी हम कोरोना में विजय पा पाएंगे। और मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का प्रॉपर रूप से ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। यहाँ पे जो आज की आखिरी खबर निकल के आ रही है वो है OnePlus की तरफ से। OnePlus की तरफ से आज यहाँ पे बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। OnePlus 9 सीरीज जो आप यूज कर रहे थे, जो कि इंडिया में यूज कर रहे थे 5G वगैरह जिसमें होता है 5G का सिर्फ, तो अभी बताया जा रहा है कि जो 5G है उसमें सिर्फ हमें 2 ही बैंड देखने को मिलेंगे और इसको वो है अपग्रेड वगैरह भी नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी OnePlus वाले ने ऑफिशियली इनको मतलब की इन्फॉर्म कर दिया है, OnePlus वाले ने अनाउंस कर दिया है कि वो सिर्फ 2 ही बैंड एड हुए हैं
हैं वो ही ऐड करेंगे, उसके बाद कोई भी अपग्रेड वगैरह भी लेके नहीं आएंगे। तो एक्चुअली में बहुत ही हमें बुरा भी लगता है कि एक फ्लैगशिप फोन है, 5G फोन है, और लोग इतना सारा पैसा खर्च रहे हैं, उसके बाद भी हमें सिर्फ दो ही बैंड देखने को मिलेंगे। इम्पैक्ट अगर सैमसंग M42 5G की बात की जाए तो उसमें हमें 4 बैंड देखने को मिलते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि इनका हम सभी को बैंड बजाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आज का फैक्ट है कि आपको पता है 2013 की घटना है जहाँ पे जेम्स करके एक बंदा था जिसने के पास एक हार्ड ड्राइव थी और उसने सोचा कि चलो पुरानी हो चुकी है तो फेंक देते हैं, लेकिन उसको बाद में पता चला कि उसमें जो है 7500 यानी कि 7500 बिटकॉइन थे। जी हाँ दोस्तों, जो आपको पता है हार्ड ड्राइव होती है और जो उसमें हार्ड ड्राइव में जो वॉलेट वगैरह होते हैं ऑफलाइन उसमें थे। तो अभी पता नहीं वो किस बंदे के पास थे, किसके पास थे वो तो नहीं पता, लेकिन जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट है। दोस्तों बस आज की टेक्नोलॉजी यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले, और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।